दोस्तों, अगर आप माता रानी से सच्चे मन से प्यार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख देना। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज आप जानेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए नवरात्रि के दिन का रामबाण उपायों के बारे में, जो भी चमत्कारी उपाय। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन इन अचूक उपाय को जरूर करना। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जितनी भी दुख तकलीफ है उन्हें माता रानी खत्म कर देंगे और घर में खुशियां भर देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ डच के विनती है, अगर आप माता रानी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। आपको बता दें कि कन्या पूजन 2 साल से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके साथ ही हमेशा 9 कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। ये 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं। सबसे जरूरी बात ध्यान रखें कि कन्या पूजन में एक बालक का भी पूजन जरूर करें, जिसे लंगूर या लौगड़ा भी कहा जाता है। जिस तरह माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं मानी जाती, ठीक उसी तरह कन्या पूजन भी लंगूर के बिना अधूरा होता है, और लंगूर को हनुमान जी का रूप माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटें नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार के अपमान न करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा न करें और को कन्याओं से पहले खाने को दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीजों को देने से माता रानी भी प्रसन्न हो जाती है। तो चलिए जाने कौन सी हैं वो 5 चीजें कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी ही हर कंचक को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है।
केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में भी दें। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए, उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। परंपरा अनुसार घरौर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए, साथ में चावल के जीरा भी देना चाहिए। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल को डाला जाता है, इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट स्वरूप दान करना चाहिए।